राहत, बेटा तुमने तो मुझसे आज तक उफ तक नहीं की। अम्मा जी, मैं आपको अपनी सगी माँ समझती हूँ। लेकिन वो शगुफ्ता है ना, उसने तो आज। वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अम्मा, मुझे देख के खामोश क्यों हो गई है? क्या कहा है शगुफ्ता ने, कुछ तो बताए ना। कुछ नहीं बेटा। अरे अम्मा, कुछ तो बताए प्लीज। हाँ अम्मा, हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? वो जो शगुफ्ता के यहाँ बच्ची काम करती है ना, आशा गुफ्ता उसको बहुत मार रही थी। मैं उसको बचाने गई तो क्या बताए ना, तो उसने धक्के देके निकाल दिया मुझे घर से। उसकी ये जरूरत कि मेरी माँ को धक्के देकर निकाले? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शंकर, नहीं बेटा, तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम वहां नहीं जाओ। अम्मा, उसकी इस बदतमीजी पर हम क्यों चुप रहे हैं? बेटा वो बहुत बदलिहाज हो गई है, बहुत जालिम हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी भी बेइज्जती करे। अब तो उसे सबक सिखाना और जरूरी हो गया। अपनी इज्जत अपने हाथ में है शाकिर। अम्मा ठीक कह रही हैं, उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा लोग तमाशा देखेंगे। अम्मा आप ऐसा करें, आप बस यहीं आ जाएं हमारे घर। नहीं बेटा, अब मैं करीम का घर मर कर ही छोड़ू? अरे अम्मा, वो घर तो आप ही का रहेगा ना। तो मैं उस शगुफ्ता के लिए अपना घर बार क्यों छोड़ू? तो बस ठीक है, आज से आप उससे कोई बात नहीं करेंगी, ताल्लुक वास्ता खत्म। लो भाई, मटल्लों से मंगनी की खुशी में जी भर के मिठाई खाओ। अम्मा तुम तो हथेली पे सरसों जमा रही, अभी लड़की देखने गई और आज ही मंगनी कर आई। मुझे खुदा की कसम बहुत खुशी हुआ है, जैसे ही तुमने हमको बताया ना, हम सबसे अच्छे दुकान से मिठाई लेकर आए। भाई गुलखान, कल लड़की वाले आ रहे हैं नवीद की मंगनी की रस्म करने। एक दफा ये रस्म हो जाए ना, फिर इसी दुकान से मिठाई मंगा के पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। मिठाई तो वाकई बहुत मजे की है।